अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, हिंदी चैप्टर 10 मछली से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं, आप आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियां खरीदी थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। ऑप्शन ए विनोद कुमार सुख। क्वेश्चन नंबर 3, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। Options. आपके सामने चार ऑप्शन है, उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय परिवार। ऑप्शन सी निम्न मध्यवर्गीय परिवार। ऑप्शन सी निम्न मध्यवर्गीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 4, मछली कहानी के लेखक कौन हैं। चार ऑप्शन, विजय कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विकास कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, मछली लेकर कौन भाग गया था। संतु, बंतु, भग्गू, जग्गू। ऑप्शन ए संतु। क्वेश्चन 6, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। चार ऑप्शन, कौन। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार के नौकर का क्या नाम था। संतु, महंतु, भग्गू, नरेन। ऑप्शन सी भग्गू। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। ऑप्शन डी उपन्यास। उपन्यास। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 10, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। ऑप्शन सी संतु। क्वेश्चन नंबर 11, मरी हुई मछली के आंखों में नजर आ रही थी। ऑप्शन ए परछाई। क्वेश्चन नंबर 12, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑप्शन डी पिताजी की। क्वेश्चन नंबर 13, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर चुक गई थी। ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 14, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा कि उसने कहा था। ऑप्शन डी पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 15, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। ऑप्शन ए महाविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 16, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन बी मछली। मछली से कौन डर रहा था। ऑप्शन ए संतु। कौन ठंड से कांप रहा था। ऑप्शन बी संतु। क्वेश्चन नंबर 19, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। ऑप्शन ए दबी हुई मछली की, नीचे दबी हुई मछली की। क्वेश्चन नंबर 20, किस मछली की आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती। ऑप्शन बी मृत मछली। क्वेश्चन नंबर 21, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन डी माँ को। मसाला कौन पीस रही थी। ऑप्शन बी लेखक की माँ। क्वेश्चन नंबर 23, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। ऑप्शन सी पाटों के ऊपर। पाटे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, भग्गू कौन था। ऑप्शन डी घर का नौकर। क्वेश्चन नंबर 25, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा।
ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी भगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 तक। क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजनंद छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी पैर पर कमरा। क्वेश्चन नंबर 30, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन बी मकान के नीचे। क्वेश्चन नंबर 31, संतु मछली लेकर क्यों भागा। ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन ए काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 33, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। ऑप्शन बी एसेटिक एसोसिएट प्रोफेसर। ऑप्शन बी एसोसिएट प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 34, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। 1993 में, 1995 में। ऑप्शन सी 1997 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। ऑप्शन डी 1994 से 1996 तक। क्वेश्चन नंबर 37, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से ली गई है। ऑप्शन बी महाविश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 38, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। चार ऑप्शन है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीन मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, सभी मछलियों को कुएं में डाल देंगे। ऑप्शन ए एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। ऑप्शन बी मछली मर जाने का डर था। तो इस प्रकार से आपने मछली से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जाना। अगर आप रेस्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं तो इस चैनल के लाल बटन को दबा करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं।